मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमति। बच्चों, आज हम वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए वर्ण विच्छेद करना उतना ही आसान हो जाएगा, यानी बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आपको तरह तरह के वर्ण विच्छेद करना सिखाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम संयुक्त व्यंजनों से वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। संयुक्त व्यंजन जैसे श्र, श्र किससे मिलकर बना होता है? श और र के मेल से, किससे मिलकर बना होता है? श और र से। तो इससे बने शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे श्रम, श्रम यानी मेहनत। श, श नीचे हलंत लगाएंगे, र के नीचे भी हलंत लगाएंगे, और किसकी साउंड है? अ की। म को भी किसकी साउंड आ रही है? अ की। श्रेणी कैसे लिखेंगे? श हलंत लगाएंगे, र के नीचे भी हलंत लगाएंगे, एक ही साउंड है वो लिखेंगे। ण को किसकी साउंड आ रही है? बड़ी की। किसकी साउंड आ रही है? र को, इसको ण को, बड़ी की। अगला लेते हैं श्रेय। श्रेय यानी क्रेडिट। और य में किसकी साउंड आ रही है? अ की। तो इस प्रकार से लिखेंगे श्रेय। श्रोता, श्रोता यानी सुनने वाला। कैसे लिखेंगे? श, श के नीचे हलन, र, र के नीचे भी हलन, किसकी मात्रा? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा, ओ का स्वर आ रहा है श्रोता में, ओ। तो इस प्रकार से ओ लिखेंगे। त में कौन सा स्वर आ रहा है? आ का। तो हम इस प्रकार से आ लिखेंगे। श्रुति, श के नीचे हलन, र के नीचे भी हलन, और छोटा ऊ है तो छोटा ऊ लिखेंगे, बड़ा ऊ नहीं लिखेंगे। तो पत्ता में किसकी साउंड आ रही है? श्रुति। तो किसकी साउंड आ रही है? छोटी की। अश्रु, अश्रु यानी टीयर्स, आंसू। अ, अ लिखा श को, इस प्रकार से लिखेंगे श को। और किसकी साउंड आ रही है? छोटा ऊ। श्रमिक, मैसन, मजदूर को कहते हैं। श कैसे लिखेंगे? र के नीचे हलन, अ की साउंड, म को किसकी साउंड आ रही है? छोटी की। क को किसकी साउंड आ रही है? अ की। श्री कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। श, श के नीचे हलन, र के नीचे भी हलन, और बड़ी की मात्रा। आश्रम, आ लिखेंगे और श के नीचे हलन, र के नीचे भी हलन, और किसकी साउंड है? अ की। म में किसकी साउंड आ रही है? अ की। तो इस प्रकार से इसको वर्ण विच्छेद करेंगे। अगला लेते हैं श्रीमती। श्री कैसे लिखेंगे? श के नीचे हलन, र लिखेंगे, र के नीचे भी हलन, बड़ी की मात्रा। और मती में क्या करेंगे? म में किसकी साउंड आ रही है? अ की। त में किसकी साउंड आ रही है? बड़ी की। श्रावण, श्रावण मास, हिंदी में श्रावण मास कहते हैं सावन को। राखी का त्योहार श्रावण मास में आता है। तो कैसे लिखेंगे? श, श के नीचे हलन, र, र के नीचे हलन, आ का, आ की क्या आ रही है? साउंड आ रही है। व को, व में किसकी साउंड आ रही है? अ स्वर की। ण में किसकी साउंड आ रही है? अ स्वर की। श्रवण मतलब श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की बहुत सेवा की। हमें श्रवण कुमार के समान अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। श के नीचे हलन, र के नीचे हलन, किसकी साउंड? अ की साउंड। व, व के नीचे भी हलन, कौन से स्वर की साउंड आ रही है वो लिखेंगे, या किसकी आ रही है? अ स्वर की। ण में किसकी साउंड आ रही है? अ की। मिश्रित यानी कॉम्प्लेक्स। म में किसकी साउंड आ रही है? छोटी की। श्र में किसकी साउंड आ रही है? छोटी की। त में किसकी साउंड आ रही है? अ स्वर आ रहा है। मिश्रा, म में छोटी की साउंड आ रही है। श्र कैसे लिखेंगे? श और र
संयुक्त व्यंजन को हमेशा तोड़ के लिखेंगे और आर की साउंड आ रही है तो आ लिख देंगे। श्रेष्ठ श और र लिखा और किसकी साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है, ए की, तो ए लिखा, पेट कटा श आधा है तो ऐसे लिखेंगे। ठ में किसकी साउंड आ रही है, अ की। श्रुत लेख क्या है, श्रुत लेख कैसे लिखेंगे, श के नीचे हलन र और र के नीचे भी हलन, किसकी साउंड आ रही है, छोटे ओ की। त में किसकी साउंड आ रही है, अ की। ल में किसकी साउंड आ रही है, ल में किसकी साउंड आ रही है, ए की। ख में किसकी साउंड आ रही है, अ की। परिश्रम, परिश्रम यानी हार्ड वर्क, प में किसकी साउंड आ रही है, र अ की। र में किसकी साउंड आ रही है, छोटी ई की। श में किसकी साउंड आ रही है, अ की। और म में भी किसकी साउंड आ रही है, अ की। मिश्र जगह का नाम, म में किसकी साउंड आ रही है, छोटी ई की। मिश्र कैसे लिखेंगे, श और र के मेल से बनता है श और साउंड किसकी है, अ। विश्राम यानी आराम, व में किसकी साउंड आ रही है, छोटी ई की। श किससे मिलके बना होता है, श और र के मेल से और आ। म किससे मिलके बना होता है, म में कौन सी साउंड आ रही है, अ की। तो इस प्रकार से हम संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद करते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वर्ण विच्छेद करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हो गया वो बढ़े। ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।